जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का केक काटकर किया शुभारंभ। आजमगढ़ ज्ञान शिक्षा टाइम्स राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय रैदोपुर आजमगढ़ में ज्ञान शिक्षा के ब्यूरो चीफ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ एवं वरिष्ठ अतिथि पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी के पटेल ने केक काटकर शुभारंभ किया। रक्तदान में काफी संख्या में पत्रकारों एवं समाज सेवियों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जितेंद्र मौर्य ने माला पहनाकर दिल की गहराइयों से स्वागत किया और लोगों को मिठाइयां भी बांटी। वहीं पीजीआई चक्रपानपुर से चलकर आए डॉक्टर बी के पटेल ने लोगों को बताया कि प्रत्येक आदमी को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है। रक्तदान करने से रक्त की कमी नहीं होती, रक्त बनाने की इंद्रियां और तेज से काम करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ इंसान को कम से कम 3 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए। पत्रकार एवं समाज सेवी जितेंद्र मौर्य ने शिविर में जिन लोगों ने रक्तदान किया उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी अर्पित किया और कहा कि हमारी संख्या लगातार समाज सेवा का काम करती है और साथ ही आजमगढ़ ब्लड बैंक की टीम के लोगों को भी धन्यवाद दिया। सर अपना परिचय बताइए। मैं जितेंद्र मौर्य पत्रकार ज्ञान शिक्षा टाइम्स दैनिक भास्कर से अपने कार्यालय पर आज 12 दिसंबर को हमारे ब्यूरो चीफ हैं जितेंद्र मौर्य राजनामा हमारे हैं उनके जन्मदिन पे आज रक्तदान शिविर लगाया गया है अपने कार्यालय पे रैदोपुर दुर्गा मंदिर के पीछे ऑफिसर कॉलोनी में। उस उपलक्ष्य में अपने ब्यूरो चीफ साहब के खुशी पे जन्मदिन की खुशी में हम लोग रक्तदान का शिविर लगवाए हैं और रक्तदान स्वेच्छा से कर रहे हैं। यह रक्तदान करना गलत चीज नहीं है। हर इंसान को कम से कम एक बार दो बार कम से कम दो बार तो साल में रक्तदान करना ही चाहिए। उससे रक्त की कमी नहीं होती है और नहीं तो शरीर में जो है रक्त बनाने वाली इंद्रियां और तेजी से काम करती हैं और रक्त का जो है संचार सुचारू रूप से होता रहता है।